नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण खबर आपके बीच लेकर फिर आया हूं और दिखाऊंगा कि बागपत में क्या हाल है। प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण जो बागपत में काम कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है और क्या स्थिति यहां बनी हुई है जो अवैध रूप से कॉलोनियां जनपद में कट रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊँगा मैं, बागपत के पक्के घाट रोड पर हूँ, बिल्कुल जमुना किनारे। मेरे पीछे, मेरे सामने जमुना है और पीछे जो देख रहे हैं जमुना जैसा माहौल है। ये जल भराव की जो स्थिति है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। जो सामने मकान बने हुए हैं ये जल भराव के अंदर हैं और कैमरा जिस तरीके से उधर को घुमाएंगे दिखाएंगे, दूर तक दूर लो जितने भी ये मकान बने हुए इनमें पानी भरा हुआ है। यानी पानी तो बरसात का है लेकिन जिस तरीके से यहाँ ये मकान बने हुए हैं ये एक बड़ी चिंता का विषय है। लोग अक्सर आंदोलन करते हैं और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, सामने जो बिल्कुल तस्वीरों के सामने देख सकते हैं ये पक्का घाट है। यानी जस्ट इसके पीछे यमुना नदी चल रही है और फिलहाल यहाँ ये ज़मीन थी, इसको JCB के माध्यम से यहाँ शायद कॉलोनी बनाने की तैयारी चल रही है। और जिस तरीके से यहाँ जनपद में कॉलोनियों का हाल है ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है कि विकास प्राधिकरण आखिर क्या कर रहा है। जो रेड जोन एरिए हैं उनमें भी कॉलोनी बस रही है, मकान बन रहे हैं। और साफ तौर पर मैं बताना चाहूँगा ये वो कॉलोनी है, इसमें कुछ दिन पहले एक महिला कि डूबने से मौत हो गई थी, यानी गड्ढे में गिर गई थी। साफ तौर पर उस पर लोगों ने हंगामा भी किया और कहीं ना कहीं प्रशासन को चेताया भी, लेकिन प्रशासन इन बातों पर अंकुश नहीं लग रहा कि ऐसी घटनाएं और ये ऐसे मामले हो रहे हैं और रेड जोन में जो अवैध कॉलोनियां साफ तौर पर कट रही हैं और ये मकान बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण ने अपनी आँखों पर पट्टी बांधे हुए है और जनपद का हाल बद से बदतर है। तो कहीं ना कहीं लाइव जनादेश की यही मुहिम है कि जनता को, लोगों को और प्रशासन को चेताए, जागरूक करें। जिस तरीके से हमारी खबरें आप देख रहे हैं, साफ तौर पर बागपत का पक्का घाट ये रोड है, यमुना नदी, बिल्कुल यमुना नदी के किनारे ये अवैध रूप से कॉलोनी जिसमें आज भी जल भराव की समस्या बड़े पैमाने पर है और अवैध कॉलोनियां लगातार बढ़ रही हैं, जिसको देखकर हालांकि प्रशासन कहते हैं, तमाम वादे करते हैं कि इस तरीके के मामले नहीं हैं और जो कागजी कार्रवाई है उनके अनुसार ही वो होती है। लेकिन अगर इस तरीके से प्रशासन की जो कार्रवाई है अगर वो हो रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है। बिना मापक, बिना उनके कैसे अवैध कॉलोनियां बढ़ती जा रही हैं जनपद में और उनको कब तक रोका जाएगा ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत। क्या नाम है जी आपका? इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन, यहाँ पक्के घाट पे काफ़ी पानी जल भराव की समस्या हो रही है और मकानों में पानी भर रहा है, क्या स्थिति है या क्या क्या था यहाँ? कुछ नहीं, यहाँ बरसात का पानी आ रहा है, जब भी बरसात होती है पानी भरिया, रास्ते लिखने बढ़ने को बंद हो जाए बिल्कुल। अच्छा, यहाँ क्या स्थिति थी, जमुना की क्या स्थिति है यहाँ? जमुना तो लाल गेट तक आ रही थी, मंदिर तक। क्या जमुना? जमुना का पानी जी। अच्छा, तो लोगों ने यहाँ जमुना किनारे मकान बना लिए, क्या इन इन पर अथॉरिटी है इस बात की? ये मालूम है कॉलोनी किसकी है? कितने मकान होंगे यहाँ? मकान होंगे कम से कम 80 करीब। ये जो JCB चल रही है अभी मकान बनेंगे? हाँ, ये मकान है, यहाँ खरीद रखी डीलर ने, डीलर ने जमीन खरीद रखी है, डीलरों ने खरीद ली जी।